छोटी सरकार का मुखिया चुने जाने से पहले बवाल मच गया। सिविल सेंटर में मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने खूब हंगामा किया। वे पीठासीन अधिकारी के मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाए जाने से नाराज थे। वोटिंग शुरू होने से पहले आप और बीजेपी के पार्षदों में जमकर धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान नारेबाजी की गई, साथ ही पर्चे भी उछाले गए। मेयर के अलावा डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का आज चुनाव है। डिप्टी मेयर के पद पर मठिया महल वार्ड से आपके पार्षद आले मोहम्मद इकबाल का मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी कमल बागड़ी से होगा, जो रामनगर वार्ड से पार्षद हैं। इनके अलावा स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के पद के लिए 7 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। इनमें से आपके 4 और बीजेपी के 2 उम्मीदवार हैं। गजेंद्र दलाल ने पहले निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा था, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इन चुनाव से क्या आपको राजनीतिक समीकरण बिगड़ने का डर है? एलजी द्वारा की गई एल्डरमैन की नियुक्ति के बाद आम आदमी पार्टी की मुख्य चिंता एमसीडी चुनाव में समीकरण बिगड़ने की है। नीचे कर भाई, जिन 10 लोगों को एमसीडी में पार्षद मनोनीत किया है, उनका सीधा ताल्लुक बीजेपी से होने की खबरें हैं। बीजेपी इस बार विपक्ष में है, ऐसे में इन मनोनीत पार्षदों की मौजूदगी से एमसीडी में बीजेपी को राजनीतिक बल मिल सकता है। मनोनीत पार्षद मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी मेंबर और जोन चेयरमैन के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। इससे एमसीडी में नीतिगत फैसले लेने वाले स्टैंडिंग कमेटी की आम आदमी पार्टी के समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। जोनल इलेक्शन में भी इसका असर पड़ सकता है। इसी वजह से आप एल्डरमैन की नियुक्ति पर कड़ा विरोध कर रही है।